हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ एयर प्यूरीफाइंग प्लांट्स, जो कि आपके घर में होने वाली बहुत सी गैसों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। और एक एक प्लांट के लिए मैं अलग अलग आपको गैसेस के नाम बता के डराना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ स्टार्टिंग में कि आपके घर में निकलती रहती हैं चीज़ें, फॉर्मेल्डिहाइड, ज़ाइलिन, टॉलिन, है ना। और ये वाली जो गैसेस होती हैं ये ट्रैफिक के धुएं से या पेट्रोलियम के उससे निकलती हैं, फ्रिज में से निकलती हैं, माइक्रोवेव में से निकलती हैं। तो इन गैसेस को ये कन्वर्ट कर देते हैं ऑक्सीजन में बहुत जल्दी ही, ठीक है। तो इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहला प्लांट है एरिका पाम, ये बहुत आसानी से मिल जाता है। ये तो आपको बड़ा वाला दिखा रही हूँ मैं, इसमें आजकल एक ड्वार्फ वैरायटी का भी आने लगा है और आप इजीली बहुत अच्छे से अपने कमरे में रख सकते हैं इसको, कमरे में या बेडरूम में, दोनों जगह कहीं भी रख सकते हैं। देखने में बहुत भव्य लगता है, ग्रैंड, कमरे की खूबसूरती भी बढ़ा देता है। इसकी मिट्टी थोड़ी सी नम रखना चाहिए आपको और ये एक महीने तक घर कमरे के अंदर रह सकता है, ठीक है। अच्छा रहे कि आप हर प्लांट के दो बनाएं सेट, उससे क्या है एक सेट आपका अंदर रहेगा दूसरा बाहर रहेगा। जब एक महीना हो जाएगा तो आप इसको अंदर वाले को बाहर ले आइए, बाहर वाले को अंदर ले जाइए। मैंने ऐसा कर रखा है, ये सिर्फ एक सजेशन है, आप अपनी सुविधा के हिसाब से देख सकते हैं। तो इसमें आपको नमी का ध्यान रखें कि जो टॉप सॉइल है उसकी हमेशा हल्की सी नमी रहे, सॉगी ना रहे, नमी रहे, और वेल्डन सॉइल हो, आप जब भी पानी डालें उसमें से निकल जाए, ठीक है। नंबर दो पे आता है मनी प्लांट, ये सबके घरों में होता है और बहुत आसानी से मिल जाता है। इसको कैसे रखना है आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, इसे पानी में भी लगा के रख सकते हैं और मिट्टी में भी लगा रख सकते हैं। तो इसकी भी सॉइल आपको हमेशा हल्की सी नमी बनी रहे, बहुत ज़्यादा इसको पानी मत दीजिए, नहीं तो प्लांट सड़ने लगता है, उसकी डालियाँ सड़ने लगती हैं, पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। और इसको आप ऐसे मॉस स्टिक पे लगा के ऊँचा भी लगा सकते हैं और पानी में भी लगा सकते हैं, दोनों तरह से चलता है। नंबर तीन पे आते हैं फर्न्स। फर्न्स की बहुत वैरायटी है, 200 से ज़्यादा वैरायटी है फर्न्स की, और आप कोई भी लगा सकते हैं, इनको नमी चाहिए। तो इनकी अगर आप हैंगिंग बास्केट बना के लगाते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहती है, है ना। तो अगर बाथरूम में बहुत बढ़िया चलेंगे, वैसे ये एक सजेशन ये भी। और आपको मैं दिखाती हूँ कि फर्न के और क्या है मेरे पास। एक ये वाला फर्न है मेरे पास, वो आपको दिखाया है ना, और एक और दिखाती हूँ। एक ये वाला फर्न है, ये मतलब जाने से पहले लिया था तो अभी इसकी हालत ज़रा कमज़ोर है, अभी इसकी हैंगिंग बास्केट में ही लगाऊंगी इसको, फिर बताऊंगी आपको कैसे लगाना है इसको। नंबर चार पे आते हैं मोनेस्ट्रा। मोनेस्ट्रा एक ही वैरायटी दिखाई थी, एक और दिखाती हूँ आपको, मोनेस्ट्रा एडनसोनी। ये है मोनेस्ट्रा एडनसोनी, इसके पत्ते ऐसे होते हैं, आपको मैं लगा के दिखा चुकी हूँ वीडियो में। तो ये भी अपने अंदर फॉर्मेल्डिहाइड जैसी गैसेस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। इसको भी आप पानी में भी लगा सकते हैं और मिट्टी में भी मॉस स्टिक पे लगा सकते हैं। देखिए, पीछे मैंने वीडियो बनाया था, इसमें से काट के यहाँ से लगाई थी, देखिए यहाँ भी निकल आई है इसकी शूट और एक यहाँ से भी निकल आई है ना। तो ये बहुत जल्दी ग्रो करता है, इनको भी बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं चाहिए, आप लगा के छोड़ दीजिए, बस पानी का ध्यान रखिए। इंडोर प्लांट्स को वैसे भी बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं चाहिए होती है, हल्का सा पानी का ध्यान रखें, फर्टिलाइज़र भी उन्हें इतना ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो डेढ़ दो महीने में कभी हल्की सी नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र दें तो बहुत अच्छे चलते रहते हैं। आप जिस भी चीज़ में लगाने हैं प्लांट, चाहे गमले में या हैंगिंग में या जो भी, तो उन पर मिस्टिंग ज़रूर करते रहें। मिस्टिंग से मतलब वो वाली स्प्रे बॉटल्स जो आपने हेयर सैलून वगैरह में देखी होंगी, जिनको करते हैं तो एक पानी का बादल जैसा निकलता है ना, क्लाउड जैसा निकलता है, उसको करते रहने से इनके सभी के पत्ते साफ रहते हैं और क्लीन रहने से इनको प्लांट को ब्रीदिंग में आसानी होती है, ठीक है ना। तो और गमले के नीचे हमेशा कोई प्लेट या पानी इकट्ठा करने वाला वो लगा के रखें, तो उससे ये रहता है कि आपके फर्श पे पानी फैलता नहीं है, आपका सफाई का एक काम और नहीं बढ़ता। और नंबर पाँच पे आता है एंथूरियम। जी हाँ, आपको फ्लावर वाले भी कुछ प्लांट्स हैं जो आप अंदर रख सकते हैं, है ना, इसको भी आप अंदर रख सकते हैं, क्योंकि ये फ्लावरिंग वाला है इसलिए आपको विंडो के पास रखना चाहिए, जहाँ इसको एक आध घंटे की हल्की सी धूप मिल जाए, या कमरे में कोई लाइट का सोर्स हो उधर रखें, तो बहुत अच्छा चलता है। एक देखिए गैस भी हैं इस पर, ये भी चल रहे हैं। तो ये प्लांट अभी इसकी हालत ख़राब हो गई, जाने से पहले काफ़ी घना था अब, लेकिन देखिए कर लूँगी इसे ठीक, थोड़ा सा टाइम लगेगा।
तो इसमें भी जो मैंने इसको बनाया, इसको आर्टिफिशियल सॉइल में मैंने इसे लगाया हुआ है, ऑर्डिनरी मिट्टी में नहीं लगाया हुआ है। और ये मेरे पास काफ़ी पुराना है प्लांट, समझिए 3 साल पुराना हो गया है इस बार ये, है ना, ये देखिए। और मैंने इसको रख के उसके ऊपर मिट्टी के टूटे हुए टुकड़े रखे हुए थे, जिससे कि इसका जो पॉटिंग मिक्स है वो निकल के बाहर ना चला जाए। और इसको भी आप बहुत अच्छे से रख सकते हैं, इसमें ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। एवरी 15 डेज पे 20 डेज पे इसको हल्का सा और लिक्विड फर्टिलाइज़र देना होगा, जो आप कंपोस्टी का भी दे सकते हैं या बनाना पील का भी दे सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसकी इतनी कोई खास वो नहीं है, इसकी मेन होता है इसका सॉइल मिक्स अच्छा होना चाहिए। नंबर 6 पे आता है पीस लिली, और ये भी रूम में बहुत अच्छा चल जाता है। आप जानते हैं इसको वैसे भी डायरेक्ट सनलाइट चाहिए नहीं, तो रूम में रखने के लिए बेस्ट प्लांट होता है जिसमें फूल भी आते रहते हैं, और ये नमी वाली जगहों पे बहुत अच्छा चलता है। तो अगर आप चाहें तो इसे बाथरूम वगैरह में भी बहुत अच्छा रख सकते हैं, और ये बहुत अच्छी ऑक्सीजन देता है। और इसका पॉटिंग सॉइल भी आपको डिफरेंट रखना पड़ेगा, साधारण मिट्टी वाले पॉटिंग सॉइल में ही चलता नहीं है, मतलब जिनका चल जाता है, जिनकी यहाँ वेदर भी बहुत अच्छी होती है, हमारे नॉर्थ में तो बहुत एक्सट्रीम पे वेदर होती है, तो यहाँ चलना मुश्किल है। इसके लिए जो मैंने पॉटिंग सॉइल बनाई है उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी, अगर आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। ये प्लांट भी आपसे ज़्यादा केयर नहीं मांगता, इसकी अगर पॉटिंग सॉइल अच्छी बनी होती है काफ़ी लंबे लंबे चलते रहते हैं। ये मेरे बड़े पुराने प्लांट्स हैं जो यहाँ लगे हुए आपको देख रहे हैं सारे। नंबर 7 पे आता है सेंसेवेरिया, ये सब बहुत ही आसानी से अवेलेबल है, आपको कहीं से भी मिल जाएगा, और इसकी प्रोपोगेशन भी बहुत आसानी है। इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप चाहें तो वो देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जो कनेक्टिव प्लांट्स हैं उनके सबके डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूँगी लिंक, आप चाहें तो वहाँ से चेक कर सकते हैं इनकी केयर के बारे में। और इसको भी बहुत आसानी से रखना होता है, महीने में आप एक बार या दो बार इसमें पानी डाल देंगे तो बहुत अच्छा चलता रहता है। और इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, ये तो आपको जो दिखा रही हूँ मैं, ये छोटी शॉर्ट वेराइटी है प्लेन वाली बर्ड्स नेस्ट, और ये लॉन्ग वाली है, इसकी लंबी पत्तियाँ जाती हैं, लगभग समझिए 1.5 मीटर तक लंबी हो जाती हैं। और इसमें वेरीगेटेड भी होती है जिसमें किनारे पे पीली धारियाँ होती हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे पास 3-4 तरह के हैं, अभी मैं नीचे हूँ, ऊपर भी रखे हैं काफ़ी प्लांट्स। ये हैं वेरीगेटेड वेराइटी वाले, ये बहुत अच्छे लगते हैं, देखिए आप। इसको मैंने गमले में लगा के ऊपर रखा था कि इनकी फास्ट ग्रोइंग होते हैं, इन्हें मल्टीप्लाई जल्दी हो जाते हैं, अब इनको अलग अलग कर लूँगी तो बहुत सारे हो जाएंगे। ये लास्ट ईयर मैंने एक एक ही लगाए थे, अभी देखिए आप कितने सारे हो गए हैं। नंबर 8 पे आता है एलोवेरा, एलोवेरा और सेंसेवेरिया दोनों बेस्ट प्लांट्स हैं। ये इतने हैं कि इनमें इतनी पावरफुल होते हैं ये कि आपके घर में 2-4 घंटे में ही ये निकाल के रख देते हैं, पूरे पॉल्यूशन को क्लियर कर देते हैं, ठीक है। और जिन लोगों के घरों में स्मोकिंग हो करते हों लोग, तो उनको एलोवेरा और एरिका पाम ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत तेज़ी से कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीजन में, ठीक है। तो आप एलोवेरा ज़रूर लगाएं, ये बहुत इजीली मिल जाता है, और आप सब जानते हैं कि इसकी मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है, 1 महीने में 1.5 महीने में आप पानी डाल देंगे, सफिशियंट है, चलता रहेगा बहुत आसानी से। नंबर 9 पे आता है स्पाइडर प्लांट, स्पाइडर प्लांट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लांट, ये बहुत अच्छा है, बहुत हार्डी है, बहुत मतलब मुश्किल से मरता है, इसकी जो रूट्स में होते हैं पानी एब्जॉर्ब रहता है, तो अगर आप पानी इसमें 1-2 महीने नहीं डालते तो भी चल जाता है, लेकिन उसके बाद आपको डाल देना चाहिए अच्छा भर के। और इसमें से ये इसके रनर्स निकलते रहते हैं जो नीचे लटकते रहते हैं, जिनके ये कारण ये प्लांट बहुत ही सुंदर लगता है। तो इस प्लांट को बेस्ट है आप हैंगिंग बास्केट में लगाएं, तो ये बहुत अच्छा चलता है, इसकी भी कोई खास मेंटेनेंस नहीं है, इसको वेल ड्रेन सॉइल चाहिए और पानी आप इसमें कम से कम डालें। ये देखिए स्पाइडर प्लांट, ये प्लेन वाला है जो ये इसमें दिखा रही हूँ ग्रीन वाला, और इसमें कितने सारे रनर्स लटक रहे हैं, ये कितना अच्छा लग रहा है ना। और ये शेड में ही चलता है, धूप में नहीं चलता है, अभी ये यहाँ धूप में रखा हुआ है, इसके ये किनारे इसलिए जल से गए हैं यहाँ पर सारे। नंबर 10 पे एक और फ्लावरिंग प्लांट है, इसको जरबेरा बोलते हैं, इसको जरबेरा भी बोलते हैं, कई लोग गरबेरा भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी स्पेलिंग GERBERA होता है इसलिए, ठीक है। और ये सबसे अच्छा प्लांट होता है और बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन ये रिलीज़ करता है। और इसके संग क्या है कि ये फ्लावरिंग प्लांट है, इसलिए आपको ऐसी जगह रखना होगा जहाँ इसको धूप मिले, क्योंकि फूल खिलने वाले सभी प्लांट्स को थोड़ी सी धूप तो चाहिए ही चाहिए, है ना। अभी देखिए बहुत तेज़ धूप में ये शेड में रखें, लेकिन धूप बहुत तेज़ है और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है ना, तो एक ही प्लांट ये सीधा है, बाकी सब लुढ़क गए हैं, देखिए गिरे पड़े सब।
ये इनकी हालत रहती है, इसलिए इनको ज़रा संभाल के रखना पड़ता है। बाकी वेल ड्रेन सॉइल चाहिए इनको, एवरी 15 डेज पे इनको फर्टिलाइज़र चाहिए, ये हैवी फीडर्स होते हैं। और बाकी इनको आप हल्की सी धूप वाली जगह पे रखेंगे, जैसे डोर के पास या विंडो के पास, ये बहुत अच्छे चलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो 10 प्लांट्स दिखाए हैं, ये बहुत आसानी से मिल जाते हैं, और नर्सरी में भी, और आप किसी से मांग के लेके भी लगाएंगे तो बहुत अच्छे लग जाते हैं। ये नीचे से मल्टीप्लाई होते रहते हैं, और आप नीचे से किसी से एक प्लांट ले लीजिए, फिर वो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि बहुत से लोगों का क्वेश्चन आता है, जी एक कमरे में हम कितने प्लांट्स रख सकते हैं? तो फ्रेंड्स, ऐसा सच कोई लिमिट नहीं है, फिर भी एक वो है स्टैंडर्ड कि 12x12 के एक कमरे में आप 1 से लेकर 10 तक प्लांट आप रख सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि प्लांट्स तो सभी बहुत अच्छे हैं। कुछ ऑक्सीजन सभी प्लांट देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं, लेकिन कुछ प्लांट की ये क्षमता थोड़ी ज़्यादा होती है, कुछ की थोड़ी कम होती है, इसलिए ये इनको हम एयर प्यूरिफाइंग प्लांट बोलते हैं। अदरवाइज सारे प्लांट ही हवा को शुद्ध रखते हैं। ठीक है, आई थिंक मेरे इस वीडियो से आपको भी प्लांट सिलेक्शन में आसानी होगी, और प्लांट्स के नाम भी आपको पता चल गए होंगे। और इनकी कुछ जो मैंने बना रखी है वीडियो, उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उनकी केयर टिप्स वहाँ से भी ले सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर फिर आती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।